नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रहों की स्थिति जानते हैं। 10 सितंबर राहु मिथुन राशि में, मंगल सूर्य और बुध सिंह राशि में, शुक्र नीच का होकर के कन्या राशि में जा चुके हैं, बृहस्पति अभी भी वृश्चिक राशि में गोचर में है और वक्री शनि केतु के साथ धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि के हो चुके हैं। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, शासन सत्ता पक्ष का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, अच्छी स्थिति है आपकी, किसी तरह की कोई जोखिम नहीं है। और पंचम भाव में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है ना, वो एक आक्रामक थोड़ा बना रहा है, लेकिन अच्छा है, पॉजिटिव है, एनर्जी है आप में। वृषभ राशि, भाग्य बस कोई काम बनेगा, लेकिन भूम भवन वाहन की खरीदारी अभी रोकिए और घर में थोड़ा खर स्थिति है, थोड़ा ड्राई स्थिति है, बाकी हर दृष्टिकोण से अच्छा है, अच्छे दिनों की तरफ बढ़ने लगे हैं। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकता है, थोड़ी परेशानी में आप आ सकते हैं, थोड़ा सा बच के पार करिए, बस आजकल की बात है, फिर आप अच्छे हो जाएंगे। हालांकि आप बड़े पराक्रमी बने हुए हैं और बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, उधर शुक्र चतुर्थ भाव में पहुंच गए हैं जो भूम भवन वाहन की खरीदारी करा सकते हैं। नीच के हैं, थोड़ी संघर्ष के बाद खरीदारी हो सकती है, बट होगी, लेकिन फिर भी आज कल थोड़ा बच के पार करिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति सही है, शादी ब्याह तय हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात हो सकती है, पति पत्नी के चली आ रही परेशानी दूर हो सकती है, कुल मिला के अच्छी स्थिति, कठोर भाषा के प्रयोग से थोड़ा सा बच। सिंह राशि, सिंह राशि में अभी भी लग्नेश और भाग्येश और धनेश तीनों का जमौड़ा लगा हुआ है, बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, थोड़ा सा फैशन इत्यादि पे खर्चे आपके होंगे, बट अच्छी स्थिति है, धन का आवक भी आपका बनेगा और रोग ऋण शत्रु पर भारी भी पड़ेंगे, तो कुल मिला के बड़ी अच्छी स्थिति, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपके साथ बन रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि में एक थोड़ा बदलाव आया है, शुक्र नीच का होकर के लग्न में आया है। अब यहां नीच के शब्द से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन कन्या राशि में शुक्र धनेश और भाग्येश और वो लग्न में आया है, थोड़ी चंचलता तो जरूर बढ़ाएगा लेकिन कुछ दे के जाएगा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। शासन सत्ता पक्ष वगैरह अभी भी थोड़ा खर्च और थोड़ा आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन शुक्र लग्न में आके शुभता बढ़ा जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी केवल एक काम करिएगा, निर्णय लेने को अभी थोड़ा रोकिए, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तुला राशि, लग्नेश द्वादश भाव में नीच के हुए हैं तो थोड़ा सा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे आप, इसके अलावा सब कुछ ठीक है, फैशन इत्यादि पे खर्चा होगा और भूम भवन वाहन की खरीदारी या घर में कुछ उत्सव सा माहौल दिख रहा है, बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वृश्चिक राशि, महिलाओं से कुछ लाभ मिलने वाला है, विपरीत लिंगी संबंधों से कुछ लाभ मिलने वाला है और घर में भी एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है आपकी, आप अच्छे स्थिति में चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर बृहस्पति आपके लग्न में है ही हैं जो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, कुल मिला के अच्छी स्थिति है, पराक्रम भी आपका साथ दे रहा है। धनुराशि, अभी यथावत स्थिति बनी हुई है, थोड़ी निगेटिविटी जरूर चल रही है, उधर शासन सत्ता पक्ष वगैरह वगैरह से थोड़ा सा लाभ मिल रहा है, कुछ रास्ता निकल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी स्थिति आपकी नहीं है, थोड़ा सा जुबान पे काबू रखिएगा और पूंजी के निवेश अभी मत रखिएगा। मकर राशि, राहत मिल गई है आपको, लग्न का चंद्रमा आपको थोड़ी राहत देगा और जीवन साथी के साथ बड़ी करीबी का मामला, प्रेमी प्रेमिका से बड़ी करीबी का मामला, बड़ी अच्छी स्थिति, व्यवसायिक लाभ भी मिल रहा है, नायक नायिका की भाग चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छी स्थिति दिख रही है। कुंभ राशि, अचानक परिस्थितियां थोड़ी सी ना चिंताजनक बना देगी, विपरीत नहीं गई है, चिंतित हो गए हैं आप, तो ये थोड़ा सा आप बच के पार करिएगा, थोड़ी खर्च की अधिकता जरूर रहेगी। मीन राशि, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। नमस्कार।